दोस्तों बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच में पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा 6 अक्टूबर 2024 को। यह मुकाबला कैप्टन वीर सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। ये स्टेडियम बिल्कुल नया नवेला बन के तैयार हुआ है। इस स्टेडियम का पहला मुकाबला यही है। इससे पहले यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा था, जिसको की रीशेड्यूल करके ग्वालियर किया गया है। इस मुकाबले से पहले अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों की तुलना करना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि बांग्लादेश टीम कहीं और जा रही है और इंडियन टीम कहीं और जा चुकी है। भारतीय टीम ने जो सफर तय किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट मैच की बात की जाए, T20 की बात की जाए, ODI मुकाबले की बात की जाए, अगर उस रास्ते पर चलना आज से शुरू कर दे बांग्लादेश टीम तो हो सकता है कि 2030 या 31 तक में भारत के आसपास तक पहुंच सकती है। लेकिन 2030-31 तक जब भारत के आसपास पहुंचेगी, उस समय भारत कहीं और नजर आएगा। तो ये मुकाबला जो कि ग्वालियर में खेला जाएगा, अगर आपको इसकी टिकट बुक करनी है तो इसकी टिकटें अगले महीने के पहले हफ्ते में, यानी कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते में आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको टिकट बुक करना है तो पहले T20 मुकाबले टिकट जरूर बुक करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उस इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएंगे कि ये स्टेडियम मेरे सामने बना था, इस स्टेडियम में पहला जो मैच हुआ था उसमें मैं स्टेडियम में बैठ के मैच देखा था। तो इसकी टिकट के बारे में जब भी कोई जानकारी आएगी तो मैं तुरंत लाके आपके सामने देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर टिकट की लाइन ओपन होंगी तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिस लिंक के थ्रू डायरेक्ट जाके आप इस मुकाबले टिकट बाय कर पाएंगे।